हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज जो प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में, ये बन रहा है दहीसर ईस्ट में, बिल्कुल हाईवे है। यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, पगोड़ा है, सी बीच है, क्रिक व्यू है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और सबसे टॉलेस्ट टावर है, आगे समझते हैं इसको। मैं दिखाता हूं आपको 2 BHK का प्रॉपर्टी, के बाद में 3 BHK दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। ये स्टार्ट में आपको किचन, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, वॉशिंग मशीन का जगह लास्ट में दिया हुआ है, और स्टार्ट में डबल डोर का फ्रिज, दोनों साइड कैबिनेट्स, और हाइट इसका 11 फुट का है, 11 फुट का हाइट है इसका। ये मोस्ट हाईएस्ट टावर है। ये आपको लिविंग डाइनिंग एरिया एल शेप में आता है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ से आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है जहाँ सूर्य वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आप करीबन 6 से 8 चेयर का डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं, अगर आप ऐसे रखेंगे तो। इन्होंने ऐसे रखा हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको, पहले तो कॉमन वॉशरूम इसका कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। इनका स्पेस भी अच्छा कवर किया है, बेसिन, कमोड, और ये इसका लास्ट का बाथ एरिया दिया हुआ है। मैं पूरा आपको थोड़ा कवर करके दिखाता हूँ। इसके बाद कॉमन बेडरूम में लेके चलता हूँ। यहाँ से इसका कॉमन बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं। कॉमन बेडरूम में वार्डरोब और बेड, साथ ही साथ टीवी यूनिट एरिया, ये सब कुछ बनाया हुआ है। ये सब बनने के बाद भी एक बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाता है। थोड़ा मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क कितना स्विंग फुल फास्ट में चल रहा है वो आप देख लें। ये बैक साइड में कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्त, डे नाइट काम चल रहा है इसका। अभी मैं विंडो के साइड से एक बार पूरे बेडरूम का व्यू दिखाता हूँ। ये इसका वार्डरोब, यानी वार्डरोब बनाने के बाद भी, बेड रखने के बाद भी आप देख रहे हैं करीबन 5 स्क्वायर फुट का आपको जगह मिलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है इसका कि ये एरिया इसमें 3 साइज में 2 BHK है। वो मैं जब डिटेल अभी बताऊंगा तो बताऊंगा कि 3 साइज में इसका 2 BHK का क्या क्या साइज है। अभी देखते हैं मास्टर बेडरूम की एंट्री कहाँ से। यहाँ से आप मास्टर बेडरूम के लिए एंट्री करते हैं, और मास्टर बेडरूम में आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिल रहा है। हाइट वगैरह ये सेम 11 फुट का हाइट मिलने वाला है आपको। और अभी मैं यहाँ से पूरे बेडरूम का व्यू आप देख लें। 7x7 का भी अगर आप बेड रखते हैं, फिलहाल तो 5x6 रखा हुआ है, 5x6 रखा हुआ है, 7x7 का भी रखेंगे ना तो भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा। एक बार विंडो के साइड से कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप स्टडी टेबल रख सकते हैं, टीवी यूनिट एरिया रख सकते हैं, और इस तरफ वार्डरोब है इसका। ये वार्डरोब बनाया हुआ है तो भी अच्छा खासा एक आपको जगह मिल रहा है यूज़ करने के लिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना कि ये इतना ऊंचा टावर है कि आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन, कोई फ्लैट या कोई बिल्डिंग इसके बराबर का है ही नहीं। 66 स्टोरी टावर, नॉर्दर्न मुंबई में सबसे बड़ा टावर है ये। दहीसर ईस्ट में आता है ये, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास। अभी मैं आपको अंदर से एक बार फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ, पूरा फ्लैट अंदर से किस तरह से एक बार शो होता है। और अभी मैं आपको 3 BHK में लेके चलता हूँ। अभी चलते हैं 3 BHK देखते हैं, जो 1101 1101 यानी 1101 स्क्वायर फुट का 3 BHK है। आइए देखते हैं। ये रेडी टू मूव OC के साथ प्रोजेक्ट है। ये इसका गैस प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आपका आप फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन या फिर बड़ा वॉशिंग मशीन का प्रोविजन किया हुआ है रख सकते हैं। साथ ही साथ इधर भी आपको छज्जा दिया हुआ है।
ये डबल डोर फ्रिज का जगह दिया हुआ है। यहाँ से मैं व्यू लेके चलता हूँ, क्या कमाल का अट्रैक्टिव व्यू है। ये एल शेप में डाइनिंग एंड लिविंग एरिया, यहाँ पे आप करीबन बड़ी फैमिली अगर साथ में रहना चाहते हैं तो 8 से 10 चेयर का डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बालकनी आप देख सकते हैं, ये पूरे 8 फुट के आसपास विड्थ में बालकनी है। ये देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल वातावरण। ये बिल्कुल इसके बगल वाला ही टावर है, ये 42 स्टोरी है और पीछे जो अभी बन रहा है नॉर्दर्न हिल्स, ये 66 स्टोरी टावर है। इतना बड़ा टावर पूरे दहिसर, कांदिवली, मलाड, अंधेरी और इधर देखें तो विरार तक बना नहीं है। यहाँ से व्यू इस साइड का तो आपको SGNP का है और बैक साइड का दिखाता हूँ आपको, वहाँ से सी व्यू, क्रिक व्यू, पेगोडा व्यू मिलता है। ये आपको मैं विंडो के साइड से एक बार पूरे हॉल देख लें, ये विंडो के साइड का व्यू है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अभी देखिए यहाँ पे ना एक प्लस पॉइंट ये है कि तीनों के तीनों मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। जनरली देखने को मिलता नहीं है क्योंकि 3 BHK या 2 BHK के कंसेप्ट में एक कॉमन बेडरूम होता है और दो ही बेडरूम ऐसे होते हैं जिसमें अटैच्ड होता है। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात दिया है, और इस तरफ इसका वॉशरूम दिया हुआ है। तीनों मास्टर बेडरूम जो मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट होते हैं उसमें होता है, और इधर एक यूटिलिटी स्पेस आपको मिल रहा है। और उस तरफ से एक बार कैमरा कवर करके दिखाता हूँ, बेसिन, कमोड और बाथ एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो पार्टीशन कर सकते हैं ग्लास में। ये आपको पूरा बेडरूम, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, दो मास्टर बेडरूम और है वो दिखाता हूँ किस टाइप का है। यहाँ से दूसरा मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है जो सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है, और यहाँ से भी व्यू आपको बैक साइड का ही है, हाईवे का और संजय गांधी नेशनल पार्क का फॉरेस्ट और माउंटेन व्यू आपको मिलता है। इस तरफ इसका वॉशरूम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी यूटिलिटी स्पेस आपको बना सकते हैं, मिल सकता है। यहाँ पे जो इन्होंने वॉश बेसिन दिया है वो प्लेटफॉर्म टाइप का दिया है, यहाँ पे सिंगल टाइप का नहीं दिया हुआ है। अभी चलते हैं इसका थर्ड बेडरूम, देखते हैं किस टाइप का है इसका थर्ड, तीसरा मास्टर बेडरूम देखते हैं। यहाँ से इसका थर्ड मास्टर बेडरूम, ये का साइज है और हाइट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 13 फुट का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। ये टॉप फ्लोर है 42 का। अब 62 स्टोरी जो मैं नॉर्दर्न हाइट हिल्स की बात कर रहा हूँ उसमें 11 फुट की हाइट मिलेगा आपको। यहाँ पे छज्जा दिया हुआ है जहाँ पे आप AC का आउटडोर वगैरह रख सकते हैं, और सामने सामने आपको सी व्यू मिल रहा है, सामने आपको पेगोडा भी है, क्रिक भी है, कोई हाईएस्ट टावर है नहीं इतना। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म वाला वॉश बेसिन आपको मिलता है, आपको एक अच्छा खासा यूटिलिटी स्पेस मिल रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैट का अंदर से, इसका कैसे व्यू वगैरह आता है वो आप देखें जरूर। अभी मैं आपको पैसेज में लेके चलता हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसे किया हुआ है। हील्स का तो अलग है, बट एक क्या होता है ना कि जब एक बिल्डर का क्वालिटी देखने को मिलता है तो एटलीस्ट ये समझ में आता है कि बिल्डर का काम करने का जो इंटेंशन है वो कितना ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं। ये इसका पूरा पैसेज है हाइट्स का। इसमें भी ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी सेल करने के लिए है, तो अगर रेडी टू मूव में भी अगर आप देख रहे हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, उसमें भी मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। अभी मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ कि कितना ह्यूज लग्जरियस स्टाइल में इन्होंने बनाया है, क्योंकि नॉर्दर्न हिल्स का अभी रेडी नहीं हुआ है, तो एज एक आइडिया मिल जाता है आपको कि बिल्डर का काम करने का क्वालिटी कैसा है। एक बार सराउंडिंग, पार्किंग स्पेस, इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, आइए लॉबी देखते हैं इनका। ये ग्राउंड फ्लोर पे लॉबी है नॉर्दर्न हाइट्स का। हिल्स का अभी रेडी नहीं हुआ है, बट एक क्वालिटी दिखाने के लिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि बिल्डर का काम करने का तरीका किस टाइप का है।
अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 42 स्टोरी से पूरा आपको मुंबई का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाईवे, मेट्रो, करीबन 60 या 65 स्टोरी पे फ्लोर पे अगर आप फ्लैट ख़रीदते हैं तो क्या व्यू रहेगा वहाँ से। चारों साइड इधर आपको नेशनल पार्क व्यू, इधर आपको सिटी का व्यू, इधर आपको सी व्यू यानी क्रिक व्यू, पगोडा व्यू मिलता है। यहाँ से आपको पूरा सी व्यू का नज़ारा मिल रहा है। बैक साइड आप देख रहे हैं अक्सा बीच का, आपको हिल दिख रहा है। अभी जो मैंने नॉर्दर्न हिल्स के बारे में बात करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में डिटेल में, कि अभी जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट दिखाया आपको जिसमें 2 BHK जो फर्निश्ड मैंने दिखाया है वो नॉर्दर्न हिल्स का है, और 3 BHK जो मैंने दिखाया नॉर्दर्न हाइट्स का है, बट फ्लैट सेम कारपेट एरिया रहेगा और स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा क्योंकि डेवलपर एक ही है एनरोज, और लोकेशन भी बिल्कुल आमने सामने ही है। दोनों कॉम्प्लेक्स एक ही लैंड है पूरा इनका, करीबन 9 एकड़ का, उसी में सब कुछ इन्होंने बनाया है। अब नॉर्दर्न हिल्स का डिटेल जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders, with 100 plus team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube. The best real estate company. 1.4 एकड़ का इसका लैंड एरिया है करीबन 1.5 एकड़ का, और नॉर्थ मुंबई का टॉलेस्ट टावर है ये। इसको हम टॉलेस्ट टावर ऑफ नॉर्थ मुंबई बोल सकते हैं बिकॉज 66 स्टोरी टावर, 66 माले का टावर अभी तक नॉर्थ मुंबई में किसी ने नहीं बनाया है। आप देखें तो अंधेरी के इस तरफ आप विरार तक जाते हैं तो इतना बड़ा टावर नहीं बना हुआ है। लोकेशन का USP समझें, यहां से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन हार्डली 1 मिनट ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस, यू कैन रीच हाईवे एंड मेट्रो स्टेशन। दूसरा व्यू की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप बैक साइड में संजय गांधी नेशनल पार्क, हिल व्यू, माउंटेन व्यू मिलता है, ग्रीनरी व्यू मिलता है आपको, और फ्रंट साइड में आपको सिटी मिल जाता है मुंबई का। उसके जब आप राइट साइड टर्न होते हैं तो सीधा सीधा आपको पगोडा व्यू मिल जाता है, क्रिक मिल जाता है, साथ ही साथ सी व्यू मिल जाता है। तो ये यहाँ का ना, आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं और हायर फ्लोर पे अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप नेचर की गोद में बैठे हैं, इतना खूबसूरत इसका लोकेशन है दोस्तों। ए विंग बी विंग, दो विंग की सोसाइटी है। 39 स्लैब यानी कि 40वां माला इसका बन चुका है। 59% पेमेंट इसका ड्यू हो चुका है यानी कि 59% कमर्शियल। इसका फ्रंट साइड में जो रोड साइड है ना, फ्रंट में कमर्शियल है, बैक साइड में पूरा पोडियम पार्किंग है 10वें माले तक। बेसमेंट लेवल 3 और उसके ऊपर और 8th लेवल पोडियम पार्किंग है। उसके बाद 9th एंड 10th इसका एमिनिटीज लेवल है। उसके बाद 11वें माले से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। 11वें माले से जो रेसिडेंस मिलेगा फिर वो आपको 66 स्टोरी तक रेसिडेंस है जिसमें 2 BHK और 3 BHK लग्जरियस टाइप का ये बना रहे हैं। 3 BHK में बालकनी दिया हुआ है, तो वो बालकनी कंसेप्ट बड़े बड़े दिए हुए हैं, जैसा अभी आपने देखा जो मैंने नॉर्दर्न हाइट्स में आपको दिखाया कि बड़ी बालकनी रहेगी हॉल में, तो वो आपको 3 BHK में मिलेगा, 2 BHK में नहीं है। दो विंग्स हैं इसमें, ए विंग और बी विंग। 70-30 का रेशियो है का मास्टर प्लान में, 70% कंस्ट्रक्शन है, 30% इसका ओपन स्पेस है। डेवलपर ऑलरेडी इनका 2 प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है एनरोज द्वारा, जिसमें हेवन प्लाजा और नॉर्दर्न हाइट्स, जिसमें पब्लिक रह रही है, OC आ चुका है, सारा कुछ वर्किंग कंडीशन में है। तो रेपुटेशन इनका काफ़ी बढ़िया है मार्केट में। यहाँ के जो प्रीवियस यूजर्स हैं उनसे आप रिव्यू भी ले सकते हैं अगर आपके जान पहचान में कोई है तो। इस 66 स्टोरी टावर में एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 6 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, वो एक्सट्रीम हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, पर सेकेंड 3 से 4 फ्लोर ये लिफ्ट तय करेगी, उतना हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, और 2 स्टेयरकेस रहेगा इसमें। 760 करीबन 750 फ्लैट का पूरा ये टावर रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, 750 फैमिली इसमें रहेगी। दिसंबर 2026 में इसका पोजीशन है बाय द लॉ ऑफ रेरा, रेरा में जो उन्होंने रजिस्टर किया है, बट ये आपको दिसंबर 2025 में ही डिलीवर कर देंगे क्योंकि अभी तो डेवलपर को ना हर जगह रजिस्टर करना पड़ता है रेरा में, वहाँ पे पेमेंट स्टक रहता है बायर्स का, तो वो पेमेंट रिलीज करवाने के लिए 1 साल का परमिशन तो लेके चलते हैं, बट वो 1 साल में ही पहले ही कोशिश करते हैं मैं पोजीशन दे दूं ताकि रेरा से उनका पेमेंट 70% रिलीज हो जाए। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहें तो इजिली आपको लोन मिल जाएगा, बिकॉज कभी कभी होता है किसी प्रोजेक्ट में SBI से सैंक्शन नहीं है या APF नहीं है, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट सारे बैंक से आपको APF मिल जाएगा। APF इन द सेंस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर होता है जो सभी बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट को दिया जाता है कि कोई भी बैंक कोई भी कस्टमर लोन करवा सके, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, जहाँ से भी आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से आपका इजिली लोन हो जाएगा क्योंकि टाइटल बिल्कुल क्लियर है। अगर SBI फाइनेंस कर रही है तो इनडायरेक्टली ये समझ जाएं कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्लियर है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन
होता है ना वो SBI का होता है दोस्तों। आप इस तरफ प्रोजेक्ट का बारकोड देख सकते हैं, ये बारकोड के द्वारा प्रोजेक्ट का डिटेल पूरा आप स्कैन कर सकते हैं और रेरा के वेबसाइट पर डायरेक्ट आप चले जाते हैं, वहाँ जाके आप सब चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का बारकोड अभी कंपलसरी हो गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑपरेटिंग द्वारा। जो रेरा का लॉ है महारेरा का महाराष्ट्र में जो चलता है उसके द्वारा ये चीज़ें लीगल हो गया है कि उनको बारकोड लगाना ही पड़ेगा। तो ये बारकोड से कस्टमर सेंट्रिसिटी के लिए बनाया है रेरा के नॉर्म्स, तो ये बारकोड से आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने प्रोजेक्ट में करने वाले हैं इन फ्यूचर में। प्राइजिंग को लेके कुछ चीज़ें आप समझ लें। अभी जो मैं प्राइजिंग बता रहा हूँ ये एक डेवलपर का कोटिंग प्राइज है, डेवलपर का बोला हुआ प्राइज है, बट दोस्तों एक बात समझ लें कि हम लोग की खुद की 100-150 लोगों की टीम है, 100+ लोगों की टीम है। एक डेवलपर जब एक साथ में कई जगह प्रोजेक्ट बनाते हैं, 10-10 जगह 15-15 जगह अलग अलग बिल्डिंग बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना पूरे जो उनके क्लस्टर हेड होता है जो प्राइजिंग डिसाइड करता है और जरा कुछ पूरा मैनेजमेंट देखते हैं डेवलपर के नीचे, उनसे जाके मीटिंग करके सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि भाई हम आपका 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचेंगे ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट मिला के, तो आप एक स्पेशल प्राइस दो हमारे कस्टमर्स के लिए। तो उसमें हम लोग 1,000-500 rupees पर स्क्वायर फुट कम करके लेते हैं ताकि अपने कस्टमर को सस्ते में कम प्राइस में प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सके। तो आप देखिए जनरली आप एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी लेंगे तो ज्यादा ज्यादा 1-2 crore रुपए देंगे। हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 300-400 crore का टर्नओवर होता है हमारे और कंपनी और डेवलपर के बीच में। अब इसमें क्या होता है ना वो 300-400 crore का जो डील होता है उसमें हम लोग एक होलसेल प्राइस में प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वही सेम होलसेल प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्राइस कम तो हो जाता है बट काफी सारे कस्टमर एक मिस्टेक कर चुके हैं कि जब इससे बात सुनने के बाद वो डायरेक्टली डेवलपर के पास चले जाते हैं और इसमें दिक्कत क्या होती है डेवलपर के CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, उसके बाद हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप ये होलसेल प्राइस में कम प्राइस में डील चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट विजिट जब आप करते हैं तभी आप हमारी टीम के साथ जाइए, तभी हम आपके लिए प्राइस नेगोशिएट करवा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप पहले चले जाते हैं तो फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मैंने हजारों लोगों को फायदा करवाया है दोस्तों प्राइजिंग को लेके। जो होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देखते हैं ना हाईवे पे या फिर ट्रेन में या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी, वो प्राइस बिल्कुल अलग होती है। बिल्डर का जो बेचने का प्राइस होता है, कोई भी डेवलपर की बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड, उसकी अलग होती है। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनकी फिक्स प्राइस होती है, बट आप उसमें हजारों में एक आध डेवलपर को काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज सारे डेवलपर का जो बोलने की प्राइस होती है अलग होती है और जो फाइनल करने की सेल करने की प्राइस अलग होती है, उसमें से भी हम लोग नेगोशिएट करा के लेते हैं बिकॉज होलसेल 300-400 crore का डील हम लोग करवाते हैं 1-2-4 महीने में, तो उसके हिसाब से हम लोग कम प्राइस में उनसे बात करके ले लेते हैं। और वैसे भी बॉटम प्राइस आपको पता ना हो ना तो मैं देखा है कि 5-5-10-10 lakh रुपए लोग एक्स्ट्रा देके आ जाते हैं, तो बॉटम प्राइस भी आपको पता ना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। अभी मैं एक टेंटेटिव प्राइस दे देता हूँ आपको जो डेवलपर का बोलना है, फिर प्रॉपर्टी खरीदने आइए तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल प्राइस वहाँ पे क्या नेगोशिएट हम करवा सकते हैं। 2 BHK और 3 BHK का साइजिंग और कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इसमें 2 BHK और 3 BHK का फ्लैट है, साथ ही साथ कोई बड़े घर का अगर शौक रखते हैं तो 2-2 का जोड़ी भी आपको मिल जाएगा, 3-3 का जोड़ी भी आपको मिल जाएगा। 3 BHK जोड़ी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 7 BHK में, 2+2 का जो जोड़ी है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 5 BHK में। क्या होता है ना कि जब एक का आप कंबाइन कर देते हैं तो एक किचन आपका बच जाता है, वो किचन को आप बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2+2 यानी 4 bed आपको जो उधर से मिलेगा, साथ ही साथ एक किचन जो एक्स्ट्रा मिलता है उसको भी आप मंदिर रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किड्स बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टडी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 BHK आप बना सकते हैं 2+2 को और 3+3 को 7 BHK बना। 2 BHK का साइज और 3 BHK के साइज पे मैं आता हूँ। 2 BHK का साइज 623, 647, 701, 623, 647 और 701, ये तीन साइज 2 BHK का है। इसकी प्राइसिंग 1.52 crore to 1.83 crore यानी कि 1,52,00,000 से लेके 1,83,00,000 के बीच में है। 3 BHK का 1101 और इसकी जो प्राइस है 2,06,00,000 से लेके 2,93,00,000 के बीच में, 2.06 crore to 2.93 crore। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 800,000 का इसका एक्स्ट्रा पार्किंग है। अभी जो मैंने प्राइजिंग आपको बताया है ये एक टेंटेटिव प्राइस है, जो मैंने आइडिया दिया है कि इतने से इतने के बीच में आएगा। एक्चुअल प्राइस तो मैं आपको अभी ऑनलाइन नहीं बता सकता हूँ, आप मुझे फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम बैक ऑफिस टीम आपको हेल्प करेगी, मैं भी रहूंगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। और जो मैंने प्राइस बताया
क्या है, ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट है। इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट का एक्सपेंस जो आता है, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी जीएसटी प्लस पार्किंग, ये आपको अलग से आएगा। हम लोग ट्रेनिंग लेके पास किया हुआ रेरा रजिस्टर सीपी है जो बिल्डर के द्वारा ऑथोराइज किए हुए हम लोग काम कर रहे हैं। एम्यूनिटीज इसमें वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं कुछ एम्यूनिटीज के नाम बता देता हूँ बहुत शॉर्टकट में। स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पार्क, टेरिस गार्डन, बैंकवेट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर गेम, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, डबल हाइटेड ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, रूफटॉप टेरेस। इसका एक स्टैंड बताऊं कि 8000 स्क्वायर फुट का इसका सिर्फ फिटनेस सेंटर है। 8000 स्क्वायर फुट छोटा मोटा डेवलपर का एक बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड होता है जिसपे वो पूरा का पूरा टावर खड़ा कर देते हैं। यहाँ सिर्फ 8000 स्क्वायर फुट का आपको फिटनेस सेंटर दिया जा रहा है। और ये तो मैंने आपको नॉर्दर्न हिल्स के बारे में बताया। हमारे पास और भी बहुत सारे बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती रहती है जो मैं हमेशा अपने चैनल पे डालता हूँ। जो सस्ते भाव में आती है वो जाके हमारे व्यूअर्स को फायदा हो जाए प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। इस प्रोजेक्ट की मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास में क्या चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप दहिसर चेकनका मेट्रो स्टेशन, एसबी रोड, दहिसर स्टेशन, ये सब आप पहुंच जाते हैं। टुवर्ड्स जब आप मुंबई से आते हैं तो चेकनका के पहले आपको गिरता है ये आपको एमबीएमसी नहीं बीएमसी में आता है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है ये प्रोजेक्ट आपको दहिसर ईस्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ, नए बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये दो वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी से रिलेटेड और भी दो प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।